प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर किसी ने पूछा था कि ओल्ड एज होम्स तो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति में, हमारे देश में ये कैसे आ गए? और ओल्ड एज होम्स अगर निकालने हैं तो उसके लिए उपाय क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने पूर्ण अनुभव के साथ कहा कि आप चाइल्ड केयर सेंटर समाज में से निकाल दो तो ओल्ड एज होम्स अपने आप निकल जाएंगे। चाइल्ड केयर सेंटर्स निकाल दो तो ओल्ड एज होम्स अपने आप निकल जाएंगे। तो एक संगठन भाव से रहना है, कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 2-5% बात ही ऐसी होती है परिवार में जिसमें चर्चा की जरूरत होती है या डिसीशन में प्लस माइनस होता है, मैं कहूं ऐसा करना, कोई और कहता है नहीं मैं कहूं ऐसा करना, ऐसी 2-5% ही होती है। 95% में तो डिपार्टमेंट्स क्लियर हैं, डिसीजन मेकिंग क्लियर है, यस और नो, मतलब 5% में ही आपको संभालना है। रसोई घर में रसोई क्या करनी है वो आपकी कोई जिम्मेदारी या आपका कोई सजेशन वैसे भी चलने वाला नहीं है, लेकिन कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। तो 95% तो डिपार्टमेंट और काम अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, 5% में ही है तो वहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, एक दूसरे की बात समझ लो, एक दूसरे की बात मान लो। कोई लड़के ने अपने पिताजी को कोई दिन पूछा कि पिताजी मन में एक प्रश्न हो रहा है, पिताजी ने कहा बता। उसने कहा कि त्रेता युग में भगवान राम ने अपने पिताजी का वचन माना तो वे महान हो गए, लेकिन सतयुग में प्रहलाद ने अपने पिता का वचन नहीं माना फिर भी वो महान हो गए। तो पिताजी आप मुझे बताएं, मुझे आपके वचन का पालन करना है कि नहीं, महान तो मुझे भी बनना है। भगवान राम ने अपने पिताजी का वचन माना था तो महान बन गए, पूजनीय बन गए। प्रहलाद ने नहीं माना तो भी बड़े बन गए, पूजनीय बन गए। तो मुझे क्या करना है वो दिक्कत है। किसी लड़के ने अपने बाप को पूछा, प्रश्न कैसा है, जोरदार है ना। तो मैं क्या करूं, लड़के ने पूछा पिताजी को, मुझे आपके वचन मानना है या नहीं मानना है। पिताजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि बेटे त्रेता युग की बात अलग है, सतयुग की बात अलग है, ये कलयुग चल रहा है। ये कलयुग में आपको या मुझे जिनको भी महान बनना है, हम दोनों को अपनी मम्मी की बात सुननी होगी, तेरी मम्मी की बात सुननी होगी, उनके वचन का पालन करना पड़ेगा। ये मैंने एक लाइटर मोमेंट में ये बात की, लेकिन इससे ये बात आपको ये पहुंचानी है, कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट। और सबसे बड़ी बात है जबान पे लगाम, वहां से ही सब बात बिगड़ती है। जबान पे लगाम नहीं होती वहां से सब बात बिगड़ती है, परिवार में और व्यवसाय में दोनों जगह पे। कोई भाई साहब एक बार मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गए, उनके फैमिली डॉक्टर भी वहां मिल गए। फैमिली डॉक्टर एक हफ्ते से बाहर थे तो एक हफ्ते के बाद ही मिले, रोज तो मॉर्निंग वॉक में साथ में ही रहते थे। एक हफ्ते के बाद मिले तो सीधा ही प्रश्न पूछ लिया कि हाउ इज योर हेडेक, क्योंकि वो हेडेक मतलब कुछ होगा उसको प्रश्न और एक तकलीफ होगी और वही डॉक्टर ट्रीट करते होंगे। तो डॉक्टर ने पूछा कि हाउ इज योर हेडेक, तो ये भाई साहब ने उत्तर दिया कि शी हैज गॉन टू हर पेरेंट्स। पूछा था क्या आपका सिर दर्द कैसा है, तो उत्तर क्या दिया, वो अपने मायके गई है। जबान पे लगाम नहीं रखोगे तो तकलीफ आएगी। आप ये नहीं समझ लेना मैं कुछ भी बोल सकता हूं, कोई भी शब्द प्रयोग कर सकता हूं, नो, एवरीबडी हैज टू बी विद इन द लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ सोबरनेस, लिमिट्स ऑफ एटिकेट्स, लिमिट्स ऑफ मैनर्स। परिवार में सभी सदस्य एक हैं। प्रमुख स्वामी महाराज इसको वाणी विवेक बोलते थे, वो होना बहुत जरूरी है। हमने कई परिवार देखे, सूरत में एक बहुत बड़ा परिवार है SRK ग्रुप, श्री रामकृष्ण डायमंड्स, उनके मालिक है गोविंद भाई पटेल, मतलब गोविंद भाई धोड़किया, 8-10 हजार करोड़ का टर्नओवर है उनका साल का। साउजी भाई उनके कजिन ब्रदर हैं, मतलब एक ही परिवार है।
गोविंद भाई धौड़किया के परिवार में हम उनके पूरे परिवार के साथ कई बार बैठे, उनके युवा या तरुण या छोटे बच्चों, इन सभी के जीवन में जो संस्कार है। गोविंद भाई धौड़किया अपने परिवार में छोटे से छोटे बच्चे को भी मान दे के बुलाते हैं, कभी तू नहीं किया, आप। 6 महीने का लड़का हो उसको भी मानवाचक रूप में बुलाते हैं, क्या संस्कार है। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी, एक परिवार की एक छोटी सी बात की। तो ऐसे समृद्ध परिवार में, जैसे मैंने गोविंद भाई धौड़किया की बात की, ऐसे बड़े परिवारों में इस प्रकार के संस्कार और खानदानी है, यू रिस्पेक्ट, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। मैं परिवार का सबसे बड़ा हूं, मुझे सबको रिस्पेक्ट अगर मैं दू ना दू, लेकिन सबको मुझे तो रिस्पेक्ट देना ही है। ये एटीट्यूड के साथ मत जीना। जब आप हेड ऑफ द फैमिली बनते हो ना, तब आप परिवार के प्रथम सर्वेंट भी बनते हो। जैसे प्रेसिडेंट होते हैं देश के, देश के प्रथम नागरिक हैं, उसी तरह आप जब परिवार के मुखिया बनते हो, तब आप परिवार के प्रथम सेवक भी बनते हो। सबकी जिम्मेदारी आपके सर पे आ गई। तो सिर्फ चिल्लाना नहीं, ये तू ये कर दे, तू वो कर दे, तू ये कर दे, नहीं, हम साथ में रह के ये करेंगे। पारिवारिक भाव, ये भगवान पे श्रद्धा, सत्शास्त्रों में श्रद्धा, पवित्र जीवन, जितना भी आपका ज्यादा रहेगा, ये सब विचार आपको दृढ़ होंगे। आखिरी 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने इसके बारे में ये बात बताई है, घर सभा हर हफ्ते 2 दिन के लिए, रात को आधे घंटे के लिए आप सब परिवारजन साथ में बैठे, आध्यात्मिकता के लिए, जो भी भगवान में आप मानते हो उनका कुछ नाम स्मरण करें, आपका तो नौकार मंत्र है, साथ में अपना स्मरण करें, उसका उच्चार करें, फिर आपका कोई धर्म ग्रंथ हो वो आप पढ़ें, फिर आप एक दूसरे के साथ शेयर करें कि आप क्या समझे, आप क्या समझे। और हर रोज अलग अलग परिवारजन ये बात करते हैं, पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, तो घर में कुछ स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस भी बढ़ेंगे, वरना तो अभी तो सिर्फ नेटफ्लिक्स के वाइब्रेशंस हैं। घर में 4 दीवारों के बीच कुछ आध्यात्मिक वाइब्रेशंस तो आने चाहिए कि नहीं, वो जब आप धर्मशास्त्र खोलेंगे, साथ में बैठे कुछ पाठ पूजा करेंगे, तभी आएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने यह रिसर्च करके बात बताई कि जो परिवार में सब परिवारजन साथ में बैठे कुछ धार्मिक विधि विधान करते हैं, उस परिवार में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता भाव बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति मेरी कोई क्रिया से उसको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर्ट न हो जाए, उसकी तकेदारी बढ़ती है।